हेलो दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा लेकर के आया हूं आपके लिए अमेरिका टिप्स। नंबर वन, हम में से सभी लोग अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं सब कुछ पाना और या बहुत कुछ पाना, और उसके लिए उन्हें लगता है कि अमीर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह शाम गधों की तरह काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल टिप्स की मदद से भी आप अमीर बन सकते हैं। सबसे पहला टिप्स तो इसका ये है कि जो भी बिजनेस आप देखते हैं वो कभी ना कभी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ है, यानी कि हम में से ही एक किसी आम आदमी ने उस बिजनेस को स्टार्ट किया है और तब जाकर के वो अमीर बने हैं। आप जितने भी अमीरों को देखते हैं उन अमीरों के पास अपने ही कुछ खास तरीके के टिप्स होते हैं, जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा अमेरिका टिप्स नंबर वन, और खाली टिप्स नहीं, मैं उसके साथ साथ आपको एडवाइस भी करूंगा कि आखिर इस तरीके को फॉलो करके आप अमीर कैसे बन पाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन विद सॉलिड डिस्कशन होगा। जैसे कि मेरा आज का अमेरिका टिप्स नंबर वन है, अमीर बनना है तो दोस्तों नौकरी छोड़ो, बिजनेस करो। ये अमेरिका टिप्स नंबर वन है, और दुनिया में 100 लोग अगर रहते हैं तो 100 के 100 अमीर लोगों ने सिर्फ यही मंत्र को अपनाया है कि अमीर बनने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और वो स्टार्ट कर देते हैं अपना बिजनेस। मेरी सलाह यानी कि टिप्स नंबर वन कि नौकरी को छोड़ो और बिजनेस को अपनाओ। अब यहाँ पर बात आती है कि पहला बिजनेस कौन सा करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें और कितना पैसा लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। आप अपना एक स्मॉल बिजनेस 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये के अंदर, 1000 रुपये के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कमा सकते हैं, और धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर दीजिए। देखिए, जैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा वैसे ही आपकी रिटर्न्स होंगी, ठीक है। तो शुरुआत अगर छोटे से बिजनेस से करेंगे तो इनकम भी उसी के तरीके से होगी, और धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो दोस्तों आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके होंगे। अब बिजनेस कौन सा करें? देखिए, बिजनेस आपको वो करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपका दिल लगता है उस काम को करने के लिए। आप कभी भी दूसरों की देखा देखी कोई बिजनेस स्टार्ट ना करें। आप सोचेगी नहीं, सामने वाले पर्सन का बिजनेस है बिस्किट बनाने का, तो वो लाखों कमा रहा है, मुझे भी बिस्किट बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने की स्टेप में आपका उल्टा कदम है, पॉजिटिव की बजाय भाई ये उल्टा पड़ जाएगा, नेगेटिव। आपको बिजनेस वो स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये सभी दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन यही सलाह आपको देते हैं कि बिजनेस अपने इंटरेस्ट का कीजिए। जैसे कि अगर आप खाना बनाने में माहिर हैं तो क्यों ना आप कुकिंग का ही एक बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, या आपका मन है टीचिंग का तो आप इंटरेस्टेड हैं टीचिंग में और आपको पूरी नॉलेज है तो आप टीचिंग का कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने बजट के अकॉर्डिंग। मैं आपसे पहले ही वादा कर चुका हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम पैसों में यानी कि 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये, 1000 रुपये के अंदर भी आप अपना बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला गुरु मंत्र तो आप ले लीजिए, कोई भी नौकरी जो आप कर रहे हैं वो आपको एक लिमिटेड अर्निंग ही देगी और लाखों के रिटर्न्स की बजाय लाखों की टेंशन आपको देगी। बिजनेस अगर टेंशन देता है, आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा बिजनेस प्रॉपर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे आज इस बात को शेयर किया जा सके कि किस तरीके से एक सक्सेसफुल बिजनेस रन किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और दूसरी चीज, क्या वाकई में आपको उस बिजनेस की जानकारी है या नहीं है। जैसे कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले
तो आपको पता होना चाहिए कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीज़ों का होना जरूरी है। जैसे कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, आपको फर्नीचर फिक्सचर की जरूरत पड़ेगी, और सबसे बड़ी चीज़ आपको जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स की। तो ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कीजिए, लेकिन एक छोटा सा कोचिंग सेंटर आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आज कोचिंग सेंटर के बारे में भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो बातें बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको एक रियल स्टोरी बता देता हूँ कि जब मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था, उस समय मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। हाँ, मुझे कुछ सालों का एक्सपीरियंस था एजुकेशन इंडस्ट्रीज का, और मैंने सोचा कि इसी में ही क्यों ना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो मैंने एकदम से अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया, और मैं आज अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी अर्निंग क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 8 टीचर काम करते हैं, और वो टीचर वेल क्वालिफाइड हैं। उनकी अर्निंग्स कम से कम भी 15,000 से 20,000 रुपये पर मंथ एक ट्यूटर की होती है यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का बिजनेस मैं स्टार्ट करता हूँ। और मैं बहुत बड़ा बिजनेस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं रतन टाटा या मुकेश अंबानी की तरह बात नहीं करूँगा। मैंने अपना बिजनेस बहुत छोटे से स्टार्ट किया है, और आज भी मैं एक छोटे से इलाके के अंदर 25,000 रुपये रेंट दे करके अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। और आप समझ सकते हैं 25,000 रुपये रेंट देने का मतलब है कि मैं कितना पैसा अर्न करता हूँ, कितना मैं खर्च करता हूँ, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिए, नौकरी छोड़ो और बिजनेस करो। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फ्री स्मॉल बिजनेस आइडियाज, एक छोटा बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट किया जाए 100 से लेकर के 500 रुपये या 1,000 रुपये में। तो आप इंतजार कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही छोटा सा बिजनेस जिससे आप काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं, और सक्सेसफुली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा बिजनेस अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को देखते रहिए, लोगों से शेयर कीजिए, और इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का, जो एक सीरीज है नौकरी छोड़ो बिजनेस करो का, जिसमें मैं एक आपको फ्री स्मॉल बिजनेस टिप्स दूंगा, आइडिया दूंगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिस तरीके से मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, आप भी दूसरे लोगों को जानकारी दीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा टिप्स नंबर 1 नौकरी छोड़ो बिजनेस करो कैसा लगा। उसके साथ साथ उसकी सीरीज जरूर देखें, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि वाकई में नौकरी छोड़ करके बिजनेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या आपको लगेगा कि हो सकता है नौकरी के साथ साथ आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर दें। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार देखो, और आपके दिमाग में ये चीज छप जानी चाहिए कि नौकरी छोड़ो बिजनेस करो। धन्यवाद।